अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू। ये मेरा कुर्ता है ना, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू। ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता, कई लोग मिलते हैं कहा जी मुझे तो रोना ही नहीं आता, तो मैं कहता हूँ हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सक। मैं कहा यूं कह दे हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है, करीम से। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा, वेलकम तो नहीं करूंगा ना, मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो, चलो हम तो दोस्त हैं। मेरी मां नाराज हो जाए मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहते, मन तकर्रब इलैह, सारी जिंदगी शराब जिना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए, जा अब तेरी तौबा तो शर्म नहीं आती, काबा कस्मों से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो और कहां जाना है, और कहां ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तेरे हफ्फे बंदा नवाज में किधर जाए, एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहां जाना है, कहां माफी, जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो, कहा मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने, तो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं, आ जा तेरे तो मैंने उड़ीका है, तू किधे आऊं हूं, तई किथे आऊं, आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हो जाए, किधे निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं, कहां चले गए थे, तलक्कैतुहु मिन बईद, कोई है बताओ, कोई है ऐसा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई मां, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जो उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है। तिर्मिज़ी की रिवायत है बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है और आपका 1 लाख बनता है, 1 लाख रेंट देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी, तो किफल कहता है मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं, तो वो रोते हो रोते बोली किफल तवायफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया है, मैं कहा करता हूं जब मालदार लोग जकात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवायफ बन जाती, जब मालदार लोग अपने जन्नत बना दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं
तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं, वो सारी जिंदगी के लिए तवायफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवायफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे के वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क्यामत का दिन रखा है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क्यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेजों पे चढ़ गए और आले रसूल के सीटे गए और बोटी बोटी उनके हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे, जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार, मुझे गुर्बत ने तवायफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मेटा, हदिया 60 दिनार, क्योंकि 1 लाख रेंट बनता है, जा अपनी गुर्बत मेटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया, उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने, वमिन वराएहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है, मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं, कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था, ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा सवा घंटा, 2 घंटे है, और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है, और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नियत की है, कल तक तो भी सूरज में नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, लोगों अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया, ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अब ये हमारा दोस्त है, आओ इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जानी भी था, ये सब कुछ था, तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी, खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया, यानी जाओ इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ, ये अल्लाह है। मेरे अजीजो, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है, फिर टूट जाए फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ठीक है ना मेरी बात। एक अब अल्लाह की सुनो, इन इस्तेकालनी अकल तो ला, मेरा बंदा तो अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला, एक दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, 1,00,000 दफा, जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया, अब ये 10,000वीं दफा या 10,00,000वीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, पुरजे पुरजे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला,
जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चले, जो यहां बैठे हुए करामन खातबीन, ये भी समझे गए उसने तो कोई तौबा तोड़ी नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ।